पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि किसानों के प्रदर्शन से जुड़ा टूलकिट गणतंत्र दिवस से पहले भारत की छवि खराब करने की साजिश का हिस्सा था। पुलिस ने सोमवार को आरोप लगाया कि दिशा ने दो अन्य संदिग्धों निकिता जैकब व शांतनु के साथ किसानों के प्रदर्शनों से जुड़ा टूलकिट तैयार किया था और इसे सोशल मीडिया पर साझा किया। निकिता व शांतनु फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि दिशा ने ही टेलीग्राम ऐप के जरिए टूलकिट पर्यावरण कार्यकर्ताओं ग्रेटा थनबर्ट को भेजा था। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के संयुक्त आयुक्त प्रेमनाथ ने बताया कि दिशा ने सबूत मिटाने के मकसद से टूलकिट के प्रसार के लिए तैयार एक व्हाट्सएप ग्रुप को डिलीट कर दिया है। दिशा, शांतनु और निकिता ने टूलकिट को एडिट भी किया। दिशा ने जो व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट किया उसे 6 दिसंबर को टूलकिट के प्रसार के लिए बनाया गया था। उन्होंने कहा कि निकिता और शांतनु ने खालिस्तान समर्थक समूह PJF द्वारा आयोजित जूम मीटिंग में भी शिरकत की थी। संयुक्त आयुक्त ने बताया कि शनिवार रात दिशा की गिरफ्तारी के दौरान पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया। पुलिस का दावा है कि टूलकिट में भारतीय संस्कृति के अलावा योग, चाय और भारतीय दूतावास को निशाना बनाने की बात कही गई थी। दूतावासों का घेराव कर हंगामा करने की भी बात कही गई थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये बात सामने आई है कि किसान आंदोलन की आड़ में भारत में डिजिटल स्ट्राइक का षड्यंत्र रचा गया था।